ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये बाकायदा इसी तरह से इम्प्लीमेंट हो जिस तरह से उन्होंने वायदे किए हैं। मगर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अब जब तक ये सब हो नहीं जाता तब तक हम अपने इसके ऊपर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने देखा है कि किस तरह से धोखेबाजी की है भारत के साथ चीन ने, कि 2204 ट्रांसग्रेशंस हो चुके हैं 2015 के बाद। तो मैं तो शांति का पुजारी हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी हालत में भी भारत एक जंग का मैदान बने, और जो भी हो सकता है उसको अवॉइड करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम एक जंग तो लड़ ही रहे हैं कोरोना के खिलाफ। अभी तक वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं व्हीकल्स जो आर्म्ड व्हीकल्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, आर्म्ड व्हीकल्स हैं, इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि जब तक वो चले ना जाएं तब तक हमें अपना गार्ड लोअर नहीं करना चाहिए। नहीं, क्या है? चाइनीज कंफर्म एलएसी डिसएंगेजमेंट सेज द प्रोसेस मेड ऑन फ्रंटलाइन बाय ट्रूप्स टू ईज टेंशंस। अगर जो भी है अभी जो देखा जाएगा, दे से दैट डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड। ये एक बहुत फिक्र की बात है कि 6,97,358 का टोल हो गया भारत में इतवार के कल यस्टरडे तक, और डेथ टोल 19,963। तो ये एक बहुत भयानक स्थिति है, हमें इसके साथ पूरी तरह से एकजुट होकर लड़ना है और इसको दबाना है। किस तरह से होगा इसका कुछ पता नहीं, मगर इसके ऊपर पूरी सहमति से सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। सर, वर्ल्ड बैंक गवर्नमेंट कोविड-19 क्राइसिस के ये अच्छी बात है। वर्ल्ड बैंक ने जो हमें कर्ज़ा दिया है, मगर एमएसएमई के लिए काफ़ी नहीं होगा, फिर भी कम से कम कुछ समय के लिए तो उनको राहत मिलेगी। हाउस एब्सेंस फॉर द पार्लियामेंट पैनल मीटिंग क्वेश्चन बीजेपी ऑन डिफेंस रिपोर्ट। अब इसमें कुछ मालूम नहीं है कि कब तय हुआ, कब नोटिस आया, क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स दिए गए मेंबर्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक आप सारी चीज़ पढ़ न लें तब तक कुछ कंट्रीब्यूशन तो हो नहीं सकता है। सिर्फ औपचारिक जाने में वो विश्वास नहीं रखते हैं। हरियाणा कैंपोटा इन प्राइवेट जॉब स्टेट रिजन एंड बीजेपी एलआई जेजेपी फुलफिल इट्स होल प्रॉमिस। ये एक ट्रेंड हो गया है भारत में, मगर मैं इसको अच्छा ट्रेंड नहीं मानता हूँ, क्योंकि भारत के संविधान के मुताबिक कोई भी भारतीय कहीं भी सेटल हो सकता है, किसी भी प्रदेश में जाके काम कर सकता है, किसी प्रदेश में जाके नौकरी कर सकता है। तो मैं ये जो कोटा है 75% का, इसके खिलाफ हूँ। अगर किसी गरीबी की बिना के ऊपर जो कोटा है उसका मैं इकोनॉमिक क्राइटेरिया से समर्थन करता हूँ, मगर इस तरह से कोटा लागू कर देना कि भी जो भी हमारे आदमी सारे भारतीय हैं, हमारे सिर्फ अपने ही लोग क्यों? एनआईए फाइल चार्जशीट अगेंस्ट द फॉर्मर जम्मू कश्मीर डीएसपी देवेंद्र सिंह अक्यूज फॉर द फेयरिंग मिलिटेंट्स। ये एक बहुत सीरियस केस है। इसमें अब चार्जशीट में तो हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकवादी हैं उनके साथ भी उनका ताल्लुक बताया गया है। अब इसमें अदालत की जो कार्रवाई होगी उससे पता चलेगा सच क्या है,
और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। होटल एंड अदर एसेंशियल स्टार्ट ऑन 8 जुलाई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑपरेशन 33% कैपेबिलिटी ऑन द कंस्ट्रक्शन कंडीशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं। होटल जो होटल और ये सब 8 जुलाई से खुलने वाले हैं सर, 33% को महाराष्ट्र गवर्नमेंट जैसे, तो किस तरह से? नहीं तो होटल खुलने ही चाहिए। कैसे आप नॉर्मल जो बाहर से कौन आएगा बिजनेस करने के लिए अगर उसके ऊपर ठहरने की जगह नहीं है? तो महाराष्ट्र सरकार बहुत ही काबिल तरीके से इसका मुकाबला कर रही है।